तपस्या मोक्ष का मार्ग है। उससे तपस्वी की मोक्ष की ओर गति होती है। यह इस अध्ययन का प्रतिपाद विषय है, इसलिए इस अध्ययन का नाम तव मग्गगई यानी तपो मार्ग गति है। आइए अब उत्तराध्ययन के इस अध्याय 30 तव मग्गगई यानी तपो मार्ग गति के 37 श्लोकों का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। राग द्वेष से अर्जित पाप कर्म को भिक्षु तपस्या से जिस प्रकार क्षीण करता है, उसे एकाग्र मन होकर सुनो। प्राणवध, मृषावाद, अदत्त ग्रहण, मैथुन, परिग्रह और रात्रि भोजन से विरत जीव अनाश्रव होता है। 5 समितियों से समित, 3 गुप्तियों से गुप्त, अकषाय, जितेंद्रिय, अगौरव और निशल्य जीव अनाश्रव होता है। इनसे विपरीत आचरण में राग द्वेष से जो कर्म उपार्जित होता है, उसे भिक्षु जिस प्रकार क्षीण करता है, उसे एकाग्र मन होकर सुन। जिस प्रकार कोई बड़ा तालाब जल आने के मार्ग का निरोध करने से, जल को उलीचने से, सूर्य के ताप से क्रमशः सूख जाता है, उसी प्रकार संयमी पुरुष के पाप कर्म आने के मार्ग का निरोध होने से करोड़ों भवों के संचित कर्म तपस्या के द्वारा निर्जीर्ण हो जाते हैं। वह तप 2 प्रकार का कहा है, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य तप 6 प्रकार का है, उसी प्रकार अभ्यंतर तप भी 6 प्रकार का है। अनशन, अनुदौरिका, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, काय कलेश और संलीनता, यह बाह्य तप है। अनशन 2 प्रकार का होता है, इत्वरिक मरण काल, इत्वरिक सावकांक्ष और दूसरा निरवकांक्ष होता है। जो इत्वरिक तप है वह संक्षेप में 6 प्रकार का है, श्रेणी तप, प्रतर तप, घन तप, वर्ग तप, वर्ग वर्ग तप और प्रकीर्ण तप। इत्वरिक तप नाना प्रकार के मनोवांछित फल देने वाला होता है। मरण काल अनशन के काय चेष्टा के आधार पर सविचार और अविचार, ये 2 भेद होते हैं, अथवा इसके 2 भेद होते हैं, सपरिकर्म और अपरिकर्म। अविचार अनशन के निरहारी और अनिरहारी, ये 2 भेद होते हैं। आहार का त्याग दोनों सविचार और अविचार तथा सपरिक्रम और अपरिकर्म में होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्यायों की दृष्टि से अवमोदर्य यानी उनोदरी का संक्षेप में 5 का प्रकार है। जिसका जितना आहार है उससे जो जघन्यता 1 शिक्त यानी धान्य कण और उत्कृष्टता 1 कवल कम खाता है, वह द्रव्य से अवमोदर्य तप होता है। ग्राम, नगर, राजधानी, निगम, आकर, पल्ली, खेड़ा, करवट, द्रोणमुख, पत्तन, मंडप, संबाद, आश्रम पद, विहार, सन्निवेश, समाज, घोष, स्थली, सेना का शिविर, सार्थ, संवर्त, कोट, पाड़ा, गलियां, घर, इनमें अथवा इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों में से पूर्व निश्चय के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में भिक्षा के लिए जा सकता है। इस प्रकार यह क्षेत्र से अवमोदर्य तप होता है। पेटा, अर्धपेटा, गौमूत्रिका, पतंग विथिका, शंभुकावर्ता और आयंत गत्वा प्रत्यागता, यह 6 प्रकार का क्षेत्र से अवमोदर्य का तप होता है। दिवस के 4 प्रहरों में जितना अभिग्रह काल हो उसमें भिक्षा के लिए जाऊंगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार चर्या करने वाले मुनि के काल से अब मौदर्य तप होता है, अथवा कुछ न्यून तीसरे प्रहर यानी चतुर्थ भाग आदि न्यून प्रहर में जो भिक्षा की एषणा करता है उसे काल से अब मौदर्य तप होता है। स्त्री अथवा पुरुष, अलंकृत अथवा अनलंकृत, अमुक व्यय वाले, अमुक वस्त्र वाले, अमुक विशेष प्रकार की दशा, वर्ण या भाव से युक्त दाता से भिक्षा ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार चर्या करने वाले मुनि के भाव से अवमोदर्य तप होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में जो भाव कहे गए हैं
उन सब के द्वारा अवमोदर्य करने वाला भिक्षु पर्यवचरक होता है। आठ प्रकार के अग्रगोचर तथा सात प्रकार की एषणाएं और जो अन्य अभिग्रह है उन्हें भिक्षाचर्या कहा जाता है। दूध, दही, घृत आदि तथा प्रणीत पान, भोजन और रसों के वर्जन को रस पर विवर्जन तप कहा जाता है। आत्मा के लिए सुख कर विरासन आदि उत्कट आसनों का जो अभ्यास किया जाता है उसे काय कलेश कहा जाता है। एकांत, अनापात जहाँ कोई आता जाता ना हो और स्त्री पुरुष आदि से रहित शयन और आसन का सेवन करना विविक्त शयनासन यानी संलीनता तप है। यह बाह्य तप संक्षेप में कहा गया है। अब मैं अनुक्रम से अभ्यंतर तप को कहूंगा। प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्कर्म और व्युत्सर्ग यह अभ्यंतर तप है। आलोचनार्ह आदि जो 10 प्रकार का प्रायश्चित है जिसका भिक्षु सम्यक प्रकार से पालन करता है उसे प्रायश्चित कहा जाता है। अभ्युत्थान, खड़े होकर हाथ जोड़ना, आसन देना, गुरुजनों की भक्ति करना और भाव पूर्वक शुश्रूषा करना विनय कहलाता है। आचार्य आदि संबंधी 10 प्रकार के व्यावृत्ति का यथाशक्ति आसेवन करने को व्यावृत्ति कहा जाता है। स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है। वाचना यानी अध्यापन, प्रच्छना परिवर्तना यानी पुनरावृत्ति, अनुप्रेक्षा यानी अर्थ चिंतन और धर्म कथा। सुसमाहित मुनि आत्र और रोद्र ध्यान को छोड़कर धर्म और शुक्ल ध्यान का अभ्यास करे, बुद्ध जन उसे ध्यान कहते हैं। सोने, बैठने या खड़े रहने के समय जो भिक्षु व्यापृत नहीं होता यानी कि काया को नहीं हिलाता डुलाता, उसके काया की चेष्टा का जो परित्याग होता है उसे व्युत्सर्ग कहा जाता है। वह अभ्यंतर तप का 6 प्रकार है। इस प्रकार जो पंडित मुनि दोनों प्रकार के तपों का सम्यक रूप से आचरण करता है वह शीघ्र ही समस्त संसार से मुक्त हो जाता है, ऐसा मैं कहता हूँ।